आपने कभी ने कभी गूगल, बिंग या फिर याहू पर कुछ ना कुछ सर्च किया ही होगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, तो ये वीडियो देखते रहिए। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि सर्च इंजन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात नहीं आती है आखिर ये सर्च इंजन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। मान लो आपके पास आपका पीसी है, उस पीसी के अंदर हजारों फाइलें होगी। अगर आप किसी फाइल को सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विंडो 10 है तो उसमें नीचे स्टार्ट बटन के साइड में एक सर्च बार का ऑप्शन दिया होता है, उसमें आप कोई भी फाइल ना भी खोगे तो वो फाइल आपके सामने आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार सर्च इंजन में होता है, जो डेटा होता है वो कहीं और स्टोर होता है, मगर जो सर्च बार का ऑप्शन है वो सिर्फ उन सभी फाइलों को एक साथ इकट्ठी करता है, उन्हें आपको दिखाता है। ये होता है सर्च इंजन का काम। मान लो आपके पीसी में हजारों फाइल पड़ी है, ऐसे ही मान लो आप जैसे आपका पीसी है इसी तरह से मान लो कोई डेटा सेंटर है उसके अंदर हजारों फाइल है, तो जो सर्च इंजन होगा वो उस डेटा सेंटर से सारी फाइलों को इकट्ठा करेगा, आपने जो सर्च किया है उसके हिसाब से उसके नेम को मैच करेगा। मान लो आपने मेरा नाम सर्च किया है निशान चौधरी, तो वो उस डेटा सेंटर में मेरे जहां पर भी नाम स्टोर है उन सभी फाइलों को ही एक जगह देखेगा, उन सभी का नाम को मैच करेगा। जिन जिन फाइलों में उसके नाम मैच हो रहे हैं तो वो वहां पर डिस्प्ले कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो डिस्प्ले होता है इसमें सबसे पहले, दूसरी, तीसरी ये कैसे एडजस्ट होते हैं, यानी सबसे पहले नंबर पर इसका ये बैठा रही, दूसरे पर ये और तीसरे पर ये कैसे होता है। देख मान लो अगर आपकी वेबसाइट है उसमें आप कहीं पर मेरा नाम है, आपने अगर उस वेबसाइट में अगर दो तीन जगह मेरा नाम लिखा हुआ है या फिर उस वेबसाइट के टैग में भी मेरा नाम है, साथ ही साथ आपने उसके अंदर जो लिंक्स दिए हैं वेबसाइट के अंदर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, उस आर्टिकल में अगर आपने नीचे लिंक दिए हैं जिस लिंक पर जाने के बाद भी मेरे बारे में ही कोई आर्टिकल खुल रहा है, यानी कि जिसके बारे में आपने सर्च किया है उसी के बारे में जो आर्टिकल खुल रहा है, तो वो वेबसाइट उस जो आगे जो लिंक है उन सभी लिंक को मैच करेगी और देखेगी कि ये वेबसाइट है इसने आगे जितने भी लिंक्स बताए हैं फिर सभी इसी नाम से रिलेटेड है, यानी कि ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जो डेटा है वो एकदम ओरिजिनल है, एकदम पूरा पूरा तरीके से आपको इस वेबसाइट का ज्ञान मिल सकता है, इसलिए वो वेबसाइट पहले नंबर पर आती है। उसी तरह ये वेबसाइट के नंबर चलते हैं नीचे तक। अगर आपको ये जानना हो ये सर्च इंजन आखिर इतनी सारी फाइलें जुटाते कैसे हैं, जो सर्च इंजन होता है उनका खुद का भी डेटा सेंटर होता है, ये इन डेटा सेंटर में इन सभी वेबसाइट होते हैं इन सभी डेटा को पहले से स्टोर रखते हैं, जिसे अगर आपको सर्च करते हैं तो ये आपको स्पीड में यानी बहुत फास्ट स्पीड में आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। साथ ही साथ ये उन वेबसाइट को नंबर वाइज भी एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास उन वेबसाइट का पहले से डाटा है, गूगल सभी वेबसाइट को स्कैन करता रहता है कि उस वेबसाइट में आपको कहां पर क्या डाटा दिया गया है, इस कारण ये सर्च इंजन इतने बेहतर तरीके से काम करते हैं और जो डेटा होता है वो आपको नंबर वाइज सही जो वेबसाइट होती है वो ऊपर इसके हिसाब से आपको रैंकिंग के हिसाब से वेबसाइट देखने को मिल जाती है। ये होता है सर्च इंजन का काम। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ही आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।